गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरे डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020 रीजनिंग पेपर पार्ट वन। 5 जनवरी 2020 को हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था। ये तो उसमें मैंने रीजनिंग का पोर्शन उठाया। रीजनिंग में मैं पार्ट वन, टोटल 25 क्वेश्चन आए थे आपके इस एग्जाम में, जिसमें कि आज फर्स्ट पार्ट में मैं 8 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। Our first question is, if cattle is related to herd, then sheep is related to what? सबसे पहले हमें cattle का relation, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो cattle है उसका herd से क्या relation है। In the same way वही relation हमारा sheep का होगा। Cattle हमारा होता है पशु, herd क्या होता है? जो भी हमारे group of cattle is called herd, यानी कि जो झुंड होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं। इन द सेम वे अगर शीप मींस भेड़, भेड़ के झुंड को क्या बोलते हैं, उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लॉक। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। हर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कैटल्स, इन द सेम वे फ्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 09 एज 07 विद 56। सबसे पहले यहाँ पर हमने अगेन, ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है बट ये न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर हमें इन दोनों का आपस में रिलेशन अगर पता चल गया तो हम द सेम वे हम इसका भी रिलेशन पता लगा लेंगे। अब मैं अगर मैं ध्यान से देखूं तो 7 का रिलेशन जो है 56 से है वो क्या है? अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 56 आएगा। इन द सेम वे 9 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा? 72। देन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज। अब ये नंबर सीरीज का हमारा क्वेश्चन है। इस नंबर सीरीज को करने से पहले फर्स्ट अप्रोच जो होती है वो ये होता है कि हमने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, एंड सो ऑन। तो अगर मैं 11 में से 5 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। 17 में से 11 को माइनस करूंगी, देन अगेन 6। देन 23 में से 17 को माइनस करूंगी, 6। अब मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरी सीरीज चल रही है 6 6 6, यानी कि जो मेरी नेक्स्ट भी क्या होगा? 6 की सीरीज होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ध्यान से यहाँ से चेक भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 में अगर मैं 6 को ऐड कर रही हूँ तो मेरा 11 आ रहा है, 11 में 6 को ऐड कर रही हूँ मेरा 17 आ रहा है। इन द सेम वे 17 को 6 में ऐड कर रही हूँ मेरा 23। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा सीरीज में? 23 में 6 ऐड करेंगे तो 29 विल बी आवर आंसर। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन फिगर एक्स, व्हिच अल्टरनेटिव फिगर वुड यू गेट? अब ये हमारा पेपर फोल्डिंग का पेपर है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, सॉरी। यहाँ पर आप एक्स फिगर इन्होंने दी हुई है हमें, वो कह रहे हैं कि अगर हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारी फिगर क्या बनेगी। सिंपल, इसमें क्या कर देंगे हम, जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको आपस में मैच कर देंगे। जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। नाउ वी नीड टू चेक आउट कि हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमारी जो हमारी फिगर है वो इस तरीके से बनी हुई है। अगर मैं फर्स्ट देखूं तो उसमें इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं, इसमें इस तरीके से 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये भी हमारा डिलीट होता है, ये भी डिलीट होता है, एंड अगेन इसमें भी पूरा क्रॉस नहीं बन रहा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। डी में आपका ये पूरा क्रॉस, इसमें क्या करना है हमने, जो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में मैच कर देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। अब ये हमारा ओड वन आउट का क्वेश्चन है। ओड वन आउट हमारा एक चैप्टर है, उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमारे जो 3 ऑप्शंस हैं वो सेम होंगे और एक ऑप्शन डिफरेंट है, और हमने वही डिफरेंट वाला ऑप्शन ही चूज करना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले इनके मीनिंग्स पता होने बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेक, बेक मीन्स सेकना, पील, पील मीन्स
जैसे हम बोलते हैं पीलिंग ऑफ पोटैटोस, यानी कि हम आलू को छील रहे हैं, छीलना। फ्राई, फ्राई मीन्स आपका होता है तलना, और रोस्ट मीन्स आपका क्या होता है, भुना हुआ। अगर हम देखें, अगर मैं इस चीज को छोड़ दूं, एक्सेप्ट पील, रेस्ट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कुकिंग। ये हमारे कुकिंग के फॉर्म है, चाहे वो बेक करना हो, चाहे वो फ्राई करना हो, चाहे वो रोस्ट करना हो, लेकिन जो पील है वो हमारा फॉर्म ऑफ कुकिंग नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा वो पील आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड। अब हमने इनका आपस में रिलेशन बताना है, बट किस फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं ये एक सर्कल, ये मेरा वर्ड का सर्कल है, ठीक है। वर्ड में मेरा क्या आता है, इंडिया। अब इंडिया के अंदर मेरा क्या आ जाएगा, हरियाणा। तो मेरे को ये इस तरीके का मुझे डायग्राम देखना है, एक पूरा सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल इंडिया का, देन उसके अंदर एक सर्कल हमारा हरियाणा का। तो ये ऐसा मुझे ना, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि आपके दो हो रहे हैं, बट थर्ड वाला इन्होंने अलग कर दिया, गलत हो जाएगा। इन तीनों में इन्होंने रिलेशन ही नहीं बताया हुआ, तो ये बिल्कुल गलत। अगेन, ये एक ही सर्कल के अंदर इंडिया भी आ रहा है, हरियाणा, नो। अगेन, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट आता है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। अगेन, ये हमारा ओड वन आउट का क्वेश्चन आ गया है, हमने इसमें से ये बताना है कि हमारा जो है एक ऑप्शन कौन सा डिफरेंट है बाकी तीनों से। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जो मेरा वर्गो है, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, ओरियन, ये जो है तीनों, वर्गो, पाइसिस और कैंसर, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे राशि के नाम है। वर्गो मीन्स कन्या राशि, पाइसिस मीन राशि, और कैंसर मीन्स कर्क राशि, ठीक है। और जो हमारा ओरियन है, ओरियन जो है एक तारामंडल है, एक कॉन्स्टिलेशन है। ओरियन इज अ कॉन्स्टिलेशन, जिसे हम बोलते हैं तारामंडल। Rest other are zodiac signs. ये सारे हमारे zodiac signs है राशि के। Zodiac signs means राशि, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इफ स्टेटमेंट इज कोडेड एज दिस देन पॉलिटिकल विल बी कोडेड एज। ये हमारा स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और अब देखो, सबसे पहले हमें इसका रिलेशन इसके साथ पता होना चाहिए, इन्होंने क्या पैटर्न फॉलो करा है, तो वही सेम पैटर्न हमारा पॉलिटिकल के साथ होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं स्टेटमेंट को, इन्होंने क्या करा हुआ है, जो ये हमारा टी है, एन है, ई है, एम ई, इन्होंने कौन सा टाइप इन्होंने कर रखा है, दिस इज अ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करा हुआ है, ठीक है। सेम हम रिवर्स ऑर्डर पॉलिटिकल में लगाएंगे, क्लियर है। इन्होंने कुछ भी नहीं करा हुआ, ये जितने भी लेटर्स हैं, ये जितने भी इस वर्ड के लेटर्स हैं, उन सारे के सारे लेटर्स को रिवर्स कर दिया, स्टार्टिंग विद दिस। सबसे पहले टी आ गया फर्स्ट पोजिशन पे, देख रहे हो, देन एन, देन ई, देन एम, then again E, then T, then A, then T, then F. अब अगेन हम यही फॉलो करेंगे पॉलिटिकल का, सबसे पहले हमारा L आएगा, then A आएगा, then C आएगा। तो अब हमने ये देखना है L, A, C वाले कौन कौन से ऑप्शन है। देखो, ये वाला ऑप्शन है हमारा L, A, C वाला, एक हमारा फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा जो B और C ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने टाइम को सेव करना है। टाइम की सेविंग हम इस तरीके से करेंगे। अब मुझे इन दोनों में से डिसाइड करना है कि क्या है। अब मैं देख रही हूँ कि आई टी आई यहाँ भी सेम है, आई टी आई यहाँ भी सेम है,
यानी कि हमें ये लास्ट के लेटर्स तीन पता चल जाएं क्या होंगे, तो हम आंसर निकाल सकते हैं अपना। मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, मैंने रिवर्स ऑर्डर इन्होंने फॉलो करा, तो मैं फर्स्ट थ्री देख लूंगी। फर्स्ट थ्री में अगर मैं देखूंगी तो मेरा क्या बनेगा, उनको अगर मैं रिवर्स करती हूँ तो मेरा आईटीआई सेम है, ठीक है जी, देन एल देन ओ देन पी। अगर मैं देखूं एल मेरा पहले आ रहा है तो यहीं पर ही, मुझे क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान से समझो, हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक टाइमिंग दिया जाएगा, प्रेस्क्राइब टाइम में हमने क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहीं से मुझे पता चल गया कि मेरा जो ऑप्शन है ये आंसर होगा, दिस इज, तो हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 8 क्वेश्चंस जो सैनिक स्कूल में आए थे वो क्लियर हो गए। पार्ट 2 में मैं जल्द ही आपके साथ आगे के रेस्ट 8 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, एंड आई होप आपको पार्ट 1 के जो 8 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट समझ में आए होंगे, और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करेंगे रीजनिंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर 1, फिगर एक्स इज एम्बेडेड इन एनी वन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव फिगर ए बी सी और डी, फाइंड द अल्टरनेटिव व्हिच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। जो हमारी फिगर एक्स है, हमने ये देखना है कि जो ये 4 फिगर है इनमें से कौन सी फिगर के बीच में एज इट इज ये फिगर बनी हुई है, किसके फिगर में ये छुपी हुई है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, अगर हम ध्यान से देखें ऐसे भी बना हुआ है, ऐसे भी बना हुआ है, बट ऐसे भी बना हुआ है, बट जो ये वाला पार्ट है वो इससे ऐसे कनेक्ट नहीं है, सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, हमारा डायरेक्ट इन्होंने सोर्स दिया हुआ है बट हमारे फिगर में ऐसे कुछ भी नहीं है, तो अगेन सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सी, सी में अगेन ये वाली चीज इससे जुड़ी हुई नहीं है, तो ये भी हमारी फिगर गलत होगी। अब हम देखते लास्ट फिगर, ये देखो ये पूरी की पूरी फिगर आपकी बनी हुई है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इफ ए मींस ऐड, बी मींस सबट्रैक्ट, सी मींस मल्टीप्लाई एंड डी मींस डिवाइड, देन व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ द इक्वेशन। अब जहां पर जिस जिसका मतलब जो जो बताया हुआ हमने वो लिखना है। ए मींस ऐड, ए की जगह हमने ऐड का साइन लगा दिया, ठीक है जी। बी मीन्स सब्ट्रैक्ट, बी हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। सी मीन्स मल्टीप्लाई, तो सी की जगह आपने मल्टीप्लाई लगा देना। एंड डी मीन्स डिवाइड, डी हमारा डिवाइड, देन व्हाट वुड बी द आंसर, इस इक्वेशन का क्या आंसर आएगा अगर हम सॉल्व करते हैं। 15, 5, 2, 3। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करने के लिए आपको बोर्ड मार्क्स पता होना जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे, ठीक है जी। बोर्ड मार्क्स का हमें पहले मतलब पता होना चाहिए कि बोर्ड मार्क्स का मतलब क्या होता है। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिविजन, एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मीन्स एडिशन, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, ना हमारे पास ब्रैकेट है ना ऑफ है, तो हमारे पास क्या है, डिवीजन। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, 5 1 5, 5 3 15, तो हमारा क्या आ जाएगा 3। रेस्ट हमारी इक्वेशन ऐसे के ऐसे हम उतारेंगे। नेक्स्ट हमारा अगर मैं बोर्ड मार्क्स में देखूं तो मेरा क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, 6 6 प्लस 3, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एडिशन, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 9, डी इधर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 5 men A B C D and E read a newspaper. The one who reads first gives it to C. जो सबसे पहले पढ़ रहा है वो C को दे रहा है. The one who reads last has taken from A. जो last वाला है उसने A से लिया है, ठीक है, यानी कि A जो है हमारा fourth position पे है. He was not the first or last to read. जो ये हमारा ना ही फर्स्ट पे ना ही लास्ट पे, देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में 2 रीडर्स हैं, हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट। ये हमारा पजल बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम 5 पोजीशंस बिठा लेते हैं, 1 2 3 4
अब हम सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन पिक करेंगे जो इन्होंने 100% हमें करेक्ट दी है, क्योंकि द वन हु रीड्स फर्स्ट हमें पहला पता ही नहीं कि कौन रीड कर रहा है, तो हमारे लिए ये लाइन अभी हम पेंडिंग में रखेंगे। द वन हु रीड्स लास्ट आर टेकन फ्रॉम है, अगेन ये भी हम पेंडिंग में रखेंगे, हमें नहीं पता लास्ट में कौन बैठा है। परफेक्ट, ही वॉज नॉट द फर्स्ट और लास्ट टू रीड, ये हमें इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो फर्स्ट पोजिशन पे और लास्ट पोजिशन पे है हमारा ई जो है नहीं बैठा हुआ, ठीक है जी, यानी कि सेकंड थर्ड फोर्थ में से कुछ नहीं होगा। अब हम क्या लेके चलेंगे, देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए में दो रीडर्स हैं, तो हम लेके चलते हैं कि जो बी है हमारा वो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि द वन हु रीड लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए, तो यानी कि फोर्थ जो ए है हमारा वो फोर्थ पोजीशन पे है, तो और यही उन्होंने हमें कहा है देयर वर टू रीडर्स बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में दो रीडर्स हैं, यहाँ पर हमारा सेकंड और थर्ड यहाँ पर दो बंदे बैठे हुए हैं बी और ए के बीच में। अब हमें इतना पता है कि जो नेक्स्ट हम देखते हैं द वन, अब इस लाइन पे चलते हैं फर्स्ट वर्ड पे, द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू सी, जो सबसे पहले रीड करा उसने सी को दिया, यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमारा सी आ जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है ई हमारा फिफ्थ पोजीशन पे नहीं आएगा, तो दैट मीन्स ई मेरा थर्ड पोजीशन पे बैठेगा, और बाय डिफॉल्ट हमारा क्या रह गया है, हमारा बी हो गया है, सी हो गया है, ई हो गया है, ए हो गया है, तो हमारा डी रह गया है। अब हम इस डी को फिफ्थ पोजीशन पे बिठा देंगे, तो हमारी क्या सीरीज बन जाएगी, किस तरीके से सेटिंग में बैठे हैं वो बी सी ई ए डी। और क्वेश्चन हमारे से क्या पूछा गया, हु रीड द न्यूज़पेपर लास्ट, यानी कि लास्ट में किसने पढ़ा, तो दैट मींस डी, सो आवर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट आता है चूज द ऑल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है एनालॉजी का, तो देखो सबसे पहले हमें इसका आपस में रिलेशन पता होना चाहिए एंड वही सेम इसके साथ होगा। 12 का रिलेशन अगर मैं 12 का स्केयर करूं, 12 इंटू 12 करूं 144, 12 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करूं नेक्स्ट नंबर से तो मेरा आ जाएगा 156, अगर मैं 12 को 14 से मल्टीप्लाई करूं 14 से क्या मेरा 168 आ रहा है, हाँ जी 12 4 सा 48, ठीक है जी, एंड देन 12 वन सा 12, तो मेरा क्या आ जाएगा 168, That means, जो 12 का है हमारा 14 से मल्टीप्लाई, इन द सेम वे 16 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 16 4 जा 64 और 16 1 जा 16, तो क्या हो जाएगा ये 4 12 और ये कैरी 224, तो हमारा सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन फिगर एक्स विच ऑल्टरनेटिव फिगर विद यू गेट, अब ये हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, अगर मैं इस पेपर को ये एक्स फिगर दी है अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, ये देखो पार्टीशन मीन्स फोल्ड, तो मेरा क्या बनेगा ध्यान से देखना, ये हमारा हमने सिर्फ ये चीज देखनी है कि कौन सी फिगर में इस तरीके से बना, ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, और इस तरीके से ये जिस भी फिगर में इस तरीके से बना हुआ है वो हमारा आंसर, फर्स्ट में देखूं लाइन नहीं है तो क्रॉस, नेक्स्ट में देखूं ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है अगेन क्रॉस, ये वाला इसमें डॉटेड नहीं है अगेन, देन वी आर लेफ्ट विद डी। देखो यहाँ पर देखो ये स्मॉल बॉक्स, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा, और ये राइट हैंड साइड से ये हमारा पूरा बन गया, ठीक है जी, हमारा क्या आ जाएगा डी, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है इफ इन अ सर्टेन कोड डेप्थ इज रिटन एज दिस, फाइल इज रिटन एज दिस, देन आइडल का हमारा क्या होगा, अब यहाँ पर हमें कोड दिए हुए हैं, अगर मैं ध्यान से डेफ को देखूं, डेफ का 3 जो डी हमारा आता है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, डी फोर्थ पोजीशन में आता है, ई 5 में आता है, तो उस तरीके से इन्होंने ए 1 पे, तो इन्होंने मतलब प्लेस वैल्यू के ऊपर तो कोड करा हुआ नहीं है, इन्होंने अपने ही कोड दे रखे हैं, फाइल का भी सेम इन्होंने अपना कोड दे रखा है, प्लेस वैल्यूज नहीं दे रखी, तो दैट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो कॉपी पेस्ट का है, ये जो टाइप है हमारा कोडिंग डिकोडिंग में दैट इज कॉपी पेस्ट। तो अब हमने करना क्या है इसमें, अब आई जो है हमारा हमने देखना कि आई का कोड फाइल में देखो आई का कोड क्या दिया हुआ है 4 सेकंड पोजीशन पे, तो ये 4 हो जाएगा, डी का हमारा कोड क्या दे रखा है 3,
तो हमारा 3 आ जाएगा। तो अब हमने ऑप्शंस पे चलना है, यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, क्योंकि अब हम कॉम्पिटिटिव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ आंसर्स देने हैं, तो ही हम पेपर निकाल पाएंगे। देखो 43 फर्स्ट में है, सेकंड में, ठीक है। देन हमारे सी एलिमिनेट हो गया, डी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, ई है। ई का इन्होंने हमें क्या दिया हुआ, सेकंड पोजीशन पे 5, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। अब 435 सेम है, नेक्स्ट से हमें पता चल जाएगा। अब ए का हमें कोड क्या दिया हुआ, अगर हम मैं डेफ को देखूँ तो डेफ में थर्ड पोजिशन पे ए है, इधर से थर्ड का कोड क्या है, 8। बस अब हमने पूरा क्वेश्चन ये नहीं कि एल का सोल्व करना, हमने सीधा देख लिया 4358, तो हमारा ये आंसर है, ये सीधा टिक लगा देना। आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड भी समझ में आया होगा कि ऑप्शंस को किस तरीके से हमने एलिमिनेट करना। नेक्स्ट आता है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। अगेन जैसे कि मैंने पार्ट वन में बताया था, उसमें भी ओड वन आउट के क्वेश्चन इन्होंने इस साल दिए हुए, इस साल इन्होंने ओड वन आउट पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन सैनिक स्कूल के एग्जाम में काफी दिए हैं रीजनिंग में। अब हमने अगेन इसमें क्या होता है कि ओड वन आउट में क्या होता है कि कोई 3 सिमिलर होंगे और एक उससे डिफरेंट होगा, तो हमने वही पहचानना है कि इन चारों ऑप्शन में से डिफरेंट कौन सा है बाकी 3 से। देखो पहला प्लास्टिक, वूल, पेपर, वूल। अब मैं ध्यान से देखूं, जो ये मेरे हैं वूल, पेपर, वूल, दीज आर बायो डिग्रेडेबल, ये आपने साइंस में करा होगा बेटा अपने, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, ठीक है, जो कि टाइमली खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और जो एक प्लास्टिक है वो हमारा जितना भी टाइम पड़ा रहे खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लास्टिक। टेस्ट हमारा क्या है, वुड, लकड़ी भी गल जाती है, पेपर भी हमारा खराब हो जाता है, वूल भी, बट प्लास्टिक नहीं, दैट विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट टू का, इफ वी अरेंज द गिवन वर्ड इन ए अल्फाबेटिकली ऑर्डर विच वर्ड वुड कम एट लास्ट प्लेस, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब हमने इनको ना अल्फाबेटिकली जो हमारे डिक्शनरी में लेटर्स बनते हैं ना उस अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, और अब फिर हमने ये बताना है कि विच वुड कम एट लास्ट प्लेस, लास्ट में कौन सा है। ध्यान से देखो, ये आर ए वाला है, आर के बाद ए आर, सब में आर आर कॉमन है। हमने फिर नेक्स्ट लेटर्स देखने हैं, ओ है बहुत बाद में आता है हमारा, ठीक है, देन ई भी हमारा बाद में आता है, ये भी ई, ए हमारा फर्स्ट, यानी कि पहला जो हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट हम देखें तो आर ई, ओ तो हमारा बाद में आता है, आर के बाद ई आर है, यहाँ भी ई आर है, यहाँ से सी और डी में अगर आप देखोगे रेस्ट तक तो सेम है, तो हम इनके नेक्स्ट लेटर्स चेक करेंगे, नेक्स्ट में आर आर है, इसमें ए आर है, तो यानी कि जो ए है वो हमारा डिक्शनरी में पहले आता है, तो हमारा क्या बन जाएगा, डी, डी के बाद हमारा सी बनेगा और लास्ट में हमारा आर ओ वाला बनेगा, रोबर, रोबर रैंडम रिस्ट्रिक्ट रेस्टोरेंट। तो अभी यही इन्होंने हमारे से पूछा था कि लास्ट प्लेस में कौन सा वर्ड आ रहा है, दैट इज ए, तो दिस इज आवर आंसर, क्लियर है। आई होप यहाँ पर मेरा पार्ट टू भी डन हो गया है ये सैंपल पेपर का, और नेक्स्ट में हम कंप्लीट जो है बचे हुए 9 क्वेश्चंस हैं वो मैं पार्ट 3 में आपके लेके आऊंगी, और उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस। आई होप आपको ये 8 क्वेश्चंस आज के समझ में आए होंगे। पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, 8 क्वेश्चंस दोनों पार्ट में, और आज हम इसका जो हमारा सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था आज उसका हम 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे, लास्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। अगेन हमने इसमें पैटर्न देखना है, वो पैटर्न हमारा यहाँ फॉलो होगा। सबसे पहले इसमें करने के लिए क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, एंड सो ऑन। अगर हम देखें 13 में से 11 गए 2, 17 में से 13 गए 4, 19 में से 17 गए 2, 23 में से 19 गए 4, 25 में से 23 गए 2, तो नेक्स्ट क्या हमारा फॉलो होगा, देखो 2, 4, 2, 4,
टू एंड देन नेक्स्ट हमारा फोर. 25 में हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 29. हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशन टू बी एम जे एस एच एस वाई इज टू ई पी. यानी कि जो रिलेशन इनका आपस में है वही सेम रिलेशन आके इसका इसके साथ होगा. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ई पी वी का एच एस वाई से क्या है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको नीचे लिख लेते हैं इसके. E के नीचे S, H, T के नीचे S और D के नीचे Y. अब क्या हो रहा है, अगर मैं ध्यान से देखूं, E मेरा जो है फिफ्थ पोजीशन पे होता है और H मेरा एट पोजीशन पे होता है. ठीक है जी, ये हमारा P हमारा 16 पे है, S हमारा 19 पे है, V हमारा 22 पे होता है और y मेरा क्या है 25 पे. तो मुझे कितने कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 3 ऐड हो रहे हैं, 5 प्लस 3 8, 16 प्लस 3 19, 22 है ये, b 22 पोजीशन पे होता है, 22 प्लस 3 25, यानी कि प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 सेम. हमने इसमें भी प्लस 3 करना है, इसमें भी प्लस 3 करना है और इसमें भी प्लस 3 करना है. बी में अगर मैं प्लस 3 करूंगी तो मेरा ई आएगा. बी देखो फिंगर्स पे भी अगर हम काउंट करते हैं तो बी के बाद सी डी ई. अगेन एम के अंदर मैं 3 ऐड करूंगी तो मेरा पी आएगा. जे में मैं 3 ऐड करूंगी तो मेरा M आएगा. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, EPM. देखो अब एक और चीज है, हम कॉम्पिटिटिव के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने ऑप्शंस की तरफ जरूर देखना है, सो दैट कि हमारा टाइम जो है वेस्ट ना हो. अब यहाँ पर मुझे E वाले ऑप्शंस दो दिख रहे थे, एक EPM और EON. तो मैंने क्या करा, E वाला निकाला, E आ गया, देन मुझे सेकंड वाला ही निकालने की जरूरत पड़ी, P. तो मैंने यहीं से देख के आंसर टिक कर दिया, मुझे आगे एम की निकालने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फ्लावर लोटस एंड रोज. यानी कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है. थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है इन क्वेश्चन को. देखो सबसे पहले मैं कौन सा बनाऊंगी, फ्लावर. ठीक है, ये मेरा फ्लावर हो गया. अब लोटस एंड रोज, आपको पता है कि जो मेरा लोटस है और रोज है, दीज टू आर टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. तो ये मेरा एक लोटस हो गया, ये मेरा एक रोज हो गया. तो अब हमने देखना है ऐसा डायग्राम किस ऑप्शन में बन रहा है. तो सीधी सी बात है, हमारा ए ऑप्शन हमारा बन रहा है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑल्टरनेटिव. अगेन 7 का इन्होंने 49 से हमें रिलेशन दिया हुआ है तो इन्होंने क्या कि 11 का दिया हुआ. सबसे पहले हम 7 का 7 से देखेंगे. अगर मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 49 आ रहा है, यानी कि 7 का स्केयर इन शॉर्ट. इन्होंने 11 का सेम वे, अगर मैं 11 का स्केयर करूंगी, इसको 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, 121, विच इज अ डी ऑप्शन. नेक्स्ट आता है, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप. अगेन ये ऑड वन आउट का आपका क्वेश्चन है, आपने ये देखना है कि कौन से तीन ऑप्शन सेम है और रेस्ट कौन सा डिफरेंट है. तो डिफरेंट वाला ही आपका आंसर होगा. ध्यान से देखना, ग्रीन, इंडिगो और वॉयलेट, दीज आर द कलर प्रेजेंट इन. ये हमारे तीनों कलर रेनबो में प्रेजेंट होते हैं, बाकी जो पिंक है हमारा रेनबो में नहीं होता. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी पिंक. नेक्स्ट आता है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई. ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. सबसे पहले हम देखो इस लाइन को छोड़ दीजिए, सबसे पहले हम इतने का डायग्राम बनाते हैं, सन्स ऑफ वाई सन. सबसे पहले हम वाई का सन बनाते हैं.
ये वाई हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ठीक है, वाई का बेटा। अब सन ऑफ वाई सन, यानी कि आगे जो ये पर्सन है जो वाई का बेटा है, आगे उसका भी बेटा है, तो उसके बेटे का यहाँ बन जाएगा ये डायग्राम, ठीक है, ये बेटा हो गया। हमें नहीं पता क्या नाम है, जो भी है मैं सन लिख देती, एस कर देती, ये भी सन है। अब वाई का सन कौन है? ये, ठीक है। आगे इसका जो बेटा है उसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, बीच में ला, ये हमारी फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड। बड़ी सिंपल सी बात है, जो ये पर्सन है, जो ये बंदा है, वो वाई का क्या होगा? ग्रैंडसन, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन, जो वाई के बेटे का बेटा है, यानी कि ये पर्सन एक्स जो है इसका भाई है, एक्स इज द ब्रदर। ये प्रॉपर चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बताए जाएंगे, तो ही ये होगा। अब ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अब उन्होंने कहा कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, इन्होंने कहा जो ये एक्स पर्सन है इसका वाई से क्या रिलेशन है। देखो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ये सन है, जो ये इस पर्सन का बेटा है, ये वाला बंदा, वो उसका रिलेशन अगर मैं वाई से देखूं तो क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भी ये जो वाई है, वाई का ये बेटा है, आगे ये बेटे का बेटा है, तो क्या हुआ, दैट मीन्स जो ये वाला पर्सन है वो क्या हो गया, वो वाई का क्या हो गया, ग्रैंडसन हो गया, वाई का पोता हो गया, ठीक है। अगर ये वाला पर्सन ग्रैंडसन है, ठीक है, इफ इफ दिस पर्सन इज अ ग्रैंडसन, और जो इसका भाई है तो वो भी तो ग्रैंडसन ही होगा। ये दोनों आपस में, अगर ये दोनों आपस में ब्रदर हैं, ठीक है, और ये वाला हमारा ग्रैंडसन है, तो ये भी तो ग्रैंडसन होगा। सो यही इन्होंने पूछा कि एक्स का वाई से क्या रिलेशन है, दैट इज एक्स इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ग्रैंडसन। नेक्स्ट आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ इज 6 मीटर देन ब्रेथ। यहाँ पर हमें क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है जी। अब एरिया हमें इन्होंने 48 दिया हुआ है, और जो हमारी लेंथ है वो 6 मीटर है, तो हमारी ब्रेथ कितनी होगी, हमने ब्रेथ निकालनी है। देखो, डायरेक्ट ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 6 हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, और इधर यहाँ से हमारी ब्रेथ निकल जाएगी, तो ये 6 के टेबल पे 8 टाइम्स पे जाता है, 6 8 40, तो देन आवर आंसर विल बी 8 मीटर। ला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रीस्ट टोल द डिवोटी द टेम्पल बेल इज रंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 45, यानी कि हर 45 मिनट बाद घंटी बजती है, ठीक है, मंदिर की जो घंटी है वो हर 45 मिनट बाद बजती है। द लास्ट बेल वॉज रंग 5 मिनट्स अगो द नेक्स्ट बेल इज, अब हमें यहाँ पर यह बताया गया कि 45 मिनट के बाद बजती है हमारे टेम्पल की घंटी, तो हमारी जो नेक्स्ट बेल, और इन्होंने बता दिया है कि 7:45 पे बजेगी, इज ड्यू लिखा ना, द नेक्स्ट बेल इज ड्यू एट 7:45 AM, तो यानी कि इससे पहले जो घंटी बजी होगी वो 7 बजे बजी होगी, तभी तो इन दोनों के बीच में 45 मिनट्स का डिफरेंस हुआ, ठीक है। देन उसने एक यहाँ ये एक लाइन ध्यान से देखो, द लास्ट बेल वॉज रंग 5 मिनट्स अगो, अब जो प्रिंस्ट बता रहा है कि जो लास्ट बेल है वो 5 मिनट पहले ही बजी है, यानी कि उसकी घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा, 7:05, दिस इज द आंसर। यही इन्होंने पूछा था कि एट व्हाट टाइम डिड द प्रिंस्ट गिव दिस इंफॉर्मेशन टू द डिवोटी, उसने डिवोटी को कितने टाइम पे ये इंफॉर्मेशन दी, That is 7:05 पे। उसने कहा कि सिर्फ अभी 5 मिनट ही हुए हैं, ठीक
ठीक है जी, घंटी को बजे हुए तो दैट मीन्स 7 से 7:05 हो गए, 5 मिनट हो गए। तो उनने कहा कि ये कितने टाइम पर उसने ये इन्फॉर्मेशन दी दी है प्रिस्ट ने, पुजारी ने, कितने बजे? 7:05 पे इन्फॉर्मेशन दी है डिवोटी को। नेक्स्ट अगेन कोडिंग डिकोडिंग का आपका ये क्वेश्चन है। इफ सर्टेन कोड एंट्रेस इज कोडेड एज ODU देन BR विल बी कोडेड एज। अब अगेन हमारा रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि क्या है, और वो ही हमारा BRL के साथ रिलेशन होगा। अब ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। M से O जाने में +2 M NO, BCD +2 STU, +2 +2 सेम। हम इसमें भी +2 +2 एंड +2, तो B में +2 करूंगी मैं, D आएगा। सीधा देखो अब हमारे पास कौन से ऑप्शंस बचते हैं, ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट। तो नेक्स्ट R में मैं +2 करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। देन DT वाला एक ही ऑप्शन है, आगे हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपका ओल्ड इंडिया सैनिक स्कूल का जो 5 जनवरी को पेपर हुआ था इस साल, कंप्लीट हो गया है। रीजनिंग का पूरा कंप्लीट पेपर। आई होप ये पूरे के पूरे पेपर के आपके क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।